हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? नींद आ रही थी, संडे का दिन आज, सोच रहा था सो जाऊं। और सब खैरियत से हैं? यहाँ भी सब खैरियत है। उठते हैं, चलो, टाइम बहुत हो रहा है, आज काफ़ी काम है, जल्दी नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर उसके बाद में चलते हैं दुकान पर, काम है दुकान पे से, फिर शॉपिंग करानी है वाइफ को, फिर उसके बाद कपड़े दे के जाने हैं, कपड़े मतलब सिलवाने हैं, वाइफ को पसंद है उस टेलर के हाथ के सिले हुए पसंद आते हैं, तो वहाँ भी जाना है, काफ़ी काम है। तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, जब तक फ्रेश होते हैं। तो गाइस, मैं फ्रेश हो गया हूँ, और फ्रेश होने के बाद में अब नाश्ते की तैयारी होती है, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं, रात काफ़ी लेट आए थे हम शादी में से, तो शादी में से आने के बाद में फिर अचानक ही एकदम नींद आ गई, और ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाया मैं। खैर कोई बात नहीं, तो अब दुकान पे आज काफ़ी लेट हो गया, तो अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नाश्ता भी आ गया हमारा, नाश्ता करते हैं और फिर दुकान पे जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद दोपहर को शॉपिंग करानी है, कपड़े लेने जाने हैं। और कपड़े क्यों लेने जाने हैं? कपड़े इसलिए लेने जाने हैं क्योंकि जो हमारे मामा हैं उनकी लड़की की शादी है 6 मार्च की, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते रहेंगे। फिर ये देखिए, पराठा है, सॉस है, बनाना है ग्रेप्स है, और दूध है, चाय है, वाइफ तो चाय पीती है। तो नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं सीलमपुर मार्केट शॉपिंग करने, और देखिए चल ही रहे हैं, बहुत से दिखाते हैं फिर आपके सीलमपुर मार्केट में। संजय भाई ऊपर ही सुना, क्या चाहिए बताओ? दोनों में कलर सूट में भी निकालो, कलर निकालो उसके कलर भी। हाँ। थोड़ा सा कुछ लुक अलग हट गए, पार्टी वेयर अच्छा जब भर गए उन्हें मत देना, मुझे अलग ही चाहिए। हाँ मुझे अलग ही चाहिए। अब वो ही नीचे भी होगा यार,
पर्पल का दूसरा कलर दे सलवार शर्ट में। भाई इसका कलर है कौन सा? भाई का कलर कौन सा? दो बेटे हैं कितने? हाँ दो हैं। दो बेटे दो बेटी लाइक बेटी एक है। गिरी नहीं कर दो मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये कलर। ये हैवी वाला कर दिया नहीं जा। कितनी भीड़ देखिए गाइस, कितनी भीड़ है आते हैं चूड़ियों की दुकान पे। कैसा हो रहा है गाइस, टिक्की चल रही है यहाँ पे, टिक्की खाई जा रही है, बनवाई हमने 40 रुपए की प्लेट। भीड़ लिए किचन सेट लिया था, टॉयज छोटा सा। ये बोल रही थी मुझे किचन सेट चाहिए, तो मैंने उसको किचन सेट भी दिलवाया है, टॉयज है छोटा सा, काफ़ी आइटम है किचन के उसमें। अरे ना अकॉर्ड में बस ये निकला है। वो वहाँ पे भी ना पहुँचे हैं, दुकान पे भी ना पहुँची। वो तो गए होंगे जमा मस्जिद या चांदनी चौक। उठाना मैंने, मैं दो तीन चार जनी आई ही, कह रहा कोई ना आया है। नहीं वो तो यही गई ऊपर कि आसमान कहीं उड़ के ले गए। हैं वो यही ऊपर या आसमान कहीं उड़ के ले गए। वो तो गली गली में को निकल के आए। मार्केट से हम आ गए हैं और मार्केट से हमने क्या क्या शॉपिंग की है, बस ज़्यादा कुछ खास शॉपिंग नहीं की। और ये जो फाइनली हमने ये सूट सिलेक्ट किया था, हमें यही अच्छा लगा इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। और ये कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी है, ये ली है, ये क्या चीज़ है, ये इयररिंग्स, ये इयररिंग्स। और ये है ये देखिए, और एक आइटम ये है इयररिंग्स, और ये चीज ब्लैक सेट, ये ब्लैक सेट गले का हार, और ये चूड़ियाँ हैं जो हमने सेलेक्ट की थी इसके साथ की, ये देखिए। तो गाइज ये हमने पसंद की थी, तो हम दोनों की पसंद का है ये, मिला जुला मिक्स कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमने मार्केट से ख़रीदी है, कैसा लगा आपको? गाइस रास्ते में हमने फिश भी ली है, देखो। और ये है साहिल की फरमाइश, तो ये मैं सफाई कर रहा हूँ, देखो अच्छे से साफ कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें नमक लगाऊंगा और नींबू नमक दोनों मिक्स करके इसको धुलाई करूँगा अच्छे से। और गाइस ये फिश है देखिए, मैंने इस पर अच्छे से साफ कर दिया है और ये अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद में क्लीन भी हो गया है, वॉश भी हो गया, कुछ भी कहो कुछ भी बोल दो। बाकी ये देखिए अच्छे से, अभी इसमें जो है मैं नमक लगाऊंगा, नींबू लगाऊंगा, नमक लगाऊंगा, ये साथ में है। तो इसकी जो हल्की सी स्मेल है ना वो इसमें चली जाएगी। इस जी तो मैंने इसकी सफाई कर दी है, और सफाई करने के बाद में ये इसका जो हल्का जो थोड़ी बहुत स्मेल थी वो भी चली गई है। और काफ़ी पहले तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन अब मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, इतना साफ़ कर दिया है कि इसमें अब आप ये नहीं बता सकते कि ये फिश का फिश थी या बकरा था या कुछ भी था, जो भी समझो आप। तो मैंने बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर दी है, बहुत बढ़िया तरीके से, अब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही इसमें। और
इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद में फिर मसाले में इसको भूनेंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर दी है। फिश साफ़ करने के बाद में, वॉश करने के बाद में मैं दुकान पे चला गया था। दुकान पे जाने के बाद में मुझे काम था, और अब बज रहे हैं रात के 10 और खाना भी तैयार हो गया है और भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही है। तो हम खाना खाएंगे। देखो सुनाया को हेलो करो, हाय गाइस, ऐसे बोलो हाय गाइस, लाइक कर दो। तो गाइस मार्केट भी गए थे। मार्केट में वहाँ पे हम शाम को काफ़ी लेट हो गए थे, तो इस वजह से हम कपड़े देने नहीं जा पाए टेलर को। तो वहाँ पे जाने के लिए भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करना पड़ता हमें। तो इतना टाइम था नहीं कि वहाँ पे कपड़े भी दिया है, फिर दुकान पे भी काम था। दुकान पे काम होने के बाद तो अब जो है खाना खाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। फिश बन के रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या बात है गाइस, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और इसका टेक्सचर वाह काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगी, तो मज़ा आ जाएगा। और भूख काफ़ी तेज़ लग रही है। ये देखिए गर्मा गर्म रोटी बन रही है। तो और हाँ, एक डिश और बनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये क्या है, ये है शाही पनीर। तो गाइस दो डिश बनी है, बढ़िया है, अच्छी लग रही है। इसका भी काफ़ी मसाला अच्छा लग रहा है देखने में, तो स्मूथ है काफ़ी। देखिए और मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या बात है, इस ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका ये मसाला है। तो गाइस खाना खाते हैं और ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ में इंशाल्लाह, कल फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट।